संकट को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन से लगातार आ रहे वीडियो दयनीय भी हैं और भयावह भी। यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसी एक भारतीय छात्रा ने वीडियो के जरिए यूक्रेन के भयावह हालातों के बारे में जानकारी दी। छात्रा ने वीडियो के जरिए रूसी सेना के अत्याचारों के बारे में जानकारी दी है। छात्रा ने बताया कि वो लखनऊ की रहने वाली है और यूक्रेन में हुए रूसी हमले के कारण कीव में फंस गई है। छात्रा ने कहा कि उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, यहाँ तक कि एम्बेसी की तरफ से भी कोई कॉल नहीं उठा रहा है। छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद के लिए गुहार लगाई है। दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को। वीडियो में लखनऊ की छात्रा ने रूसी सेना के अत्याचार के बारे में बताते हुए कहा कि उनके साथियों को मारा पीटा भी गया, उन पर हिंसा की गई। छात्रा ने बताया कि उन लोगों को पूरी तरह से घेर लिया गया है और उनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है, पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कीव में फंसी भारतीय छात्रा का दर्द साझा किया। प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग कर छात्र छात्राओं को सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई है। प्रियंका गांधी ने कहा, यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र छात्राओं के वीडियो मन को बहुत ही ज्यादा व्यथित करने वाले हैं। इन बच्चों को भारत वापस लाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है, भगवान के लिए वो पूरा करिए। पूरा देश इन छात्र छात्राओं और इनके परिवारों के साथ है। आपसे आग्रह है कि कैसे भी सरकार इनकी सकुशल वापसी करवाने का प्रयास करे। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। भारत सेना इन्हीं हमलों के बीच फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के साथ खड़े होने की बात कही है और उनके जल्द देश वापसी के लिए आश्वासन दिया है।